पठान पर हाहाकार, साधु संत कर रहे बहिष्कार, शाहरुख खान को जिंदा जलाएंगे संत, कब होगा बयानबाजी का अंत, पठान फिल्म का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म को लेकर हर दिन कोई न कोई नया विवाद सामने आ रहा है। बॉलीवुड के किंग खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट की मांग लगातार उठाई जा रही है। आज ये है कि फिल्म की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआत इस फिल्म के बेशरम रंग गाने से हुई, इसके बाद से ही जो बवाल एक बार शुरू हुआ वो थमा नहीं। इस बीच एक बार फिर से धमकी भरा बयान सामने आया है। शाहरुख खान को लेकर संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने विवादित बयान दिया है। परमहंस आचार्य ने शाहरुख खान को जिंदा जलाने की बात कही है। अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने शाहरुख खान को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान की चमड़ी उधेड़ दी। संत ने शाहरुख खान की पठान मूवी का विरोध करते हुए कहा कि इस फिल्म में भगवा रंग का अपमान किया गया है। आचार्य ने कहा कि ये सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए पैसा कमाने का लोगों का धंधा बन गया है। ये फिल्म जिहाद है जो कि रणनीति तैयार करके किया जाता है, इसलिए आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जो इस तरह की फिल्म वेब सीरीज बन रही है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार वाइकाट होना चाहिए। किसी में दम नहीं है। मैं कहता हूं कि शाहरुख खान तो इस्लाम से आता है, अपने मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी करके बता दे, पैगंबर मोहम्मद पर कोई जो है फिल्म अथवा वेब सीरीज बना दे, किसी में दम नहीं है। केवल सनातन धर्म का अपमान करके ये पैसा कमाने का ये जो बनाए हुए है इसको अब खत्म किया जाएगा। संत ने आगे कहा, मैं ढूंढ रहा हूँ जिससे शाहरुख खान मिल गया उस दिन जिहादी को जिंदा जला दूंगा। पैगंबर मोहम्मद की जीवनी पर फिल्म बनाने की भी चुनौती। संत ने आगे कहा कि मेरे लोग मुंबई में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू शेर इसे जला दे तो उसके परिवार की आर्थिक मदद करूंगा। आचार्य ने कहा कि शाहरुख खान का मजहब तो इस्लाम है। आज तक उन्होंने अपने मजहब पर ना तो कोई वेब सीरीज बनाई है और ना ही कोई फिल्म। मैं शाहरुख खान को चैलेंज करता हूँ, हलाला पर बनाकर दिखा दे, तीन तलाक पर बनाकर दिखा दे, पैगंबर मोहम्मद की जीवनी पर बनाकर दिखा दे, पता नहीं 5 मिनट के अंदर कितने टुकड़े होंगे, कोई गिन भी नहीं पाएगा। वहीं संत ने शाहरुख खान के साथ साथ सलमान खान और आमिर खान को भी टारगेट किया है। और जो भी स्थिति आएगी, यह चैलेंज भी है कि अगर सनातन का अपमान करोगे तो तुम्हें सजाए मौत देने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। हमारे प्रभु श्री राम ने राक्षसों का वध किया, भगवान कृष्ण ने राक्षसों का वध किया, हनुमान ने राक्षसों का वध किया, भगवान शिव प्रलयंकर ने राक्षसों का वध किया, और अब साधु संत जो सनातन विरोधी जिहादी हैं, इनका वध करने के लिए तैयार हैं। अगर ये लोग इस फिल्म को नहीं रोके, अगर यह पठान फिल्म नहीं रोकी गई तो निश्चित रूप से इन जिहादियों का वध हम लोगों के हाथ होगा। वंदे मातरम। बिल्कुल फूंका जाएगा। जिस भी सिनेमा हॉल में ये जो है तो मूवी दिखाई जाएगी, उस सिनेमा हॉल को हम लोग जो है फूकेंगे। और ये अपील भी करते हैं कि जहां कहीं भी ये फिल्म लगे उस थिएटर को बिल्कुल फूको, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान अगर होगा तो जो भी उसमें सहयोगी है उनको दंडित किया जाएगा। अब देखना होगा कि पठान पर जारी ये विवाद रुकेगा या फिर इसी तरह बयानबाजी का सिलसिला जारी रहेगा। डिजिटल डेस्क, न्यूज़ 12 इंडिया।